मेरा नाम वीरेंद्र कुमार यादव है, ग्राम सौनापुर पोस्ट शिवराजपुर, विकासखंड मलवा, जिला फतेहपुर। मैं 3 वर्ष से नमाम गंगे के अंतर्गत जैविक खेती कर रहा हूँ। और नीरज भाई जो जैविक मिशन लेकर के चले हैं, द बाइसिकल मैन ऑफ इंडिया, इनका 111,111 किलोमीटर का जो इनका मिशन है, उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। 1 वर्ष पूर्व पहले ही हमारे पास आए थे, जब उसमें बात होते नवंबर दिसंबर में, और इस बार जब आए तो हमें इनको कुछ दिखाना कि हमने क्या किया है। और यहाँ जो अन्य लोग किसान प्रेरित हुए हैं वो भी मिलना चाहते हैं, वो भी चल रहे हैं। मेरा नाम नरेंद्र कुमार तिवारी है, मैं शिवराजपुर गांव के रहने वाले हैं, मलवा ब्लॉक, जिला फतेहपुर। मैं लाही की खेती कर रहे हैं 2 साल से, जैविक की। और भाई जी का नाम सुना, अभी बहुत दूर से आते हैं तो इनसे भी मिलने की मेरी इच्छा हुई, इसीलिए हम आज से इनसे मिलने आए। आप जो जैविक का उगाते हैं उसमें मार्केट में कोई समस्या आती है? मार्केट अभी कहाँ बेच रहे हैं? अभी तो कहीं बेचने वाला कोई वो ही नहीं है, सब ऐसे ही चली जाती है। अभी कोई विश्वास ही नहीं करता है कि जैविक से कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इसमें अपन काम करेंगे। मेरा नाम अशोक कुमार यादव, मैं पशुपालन और खेती के साथ जो किसान को आमदनी कम होती है, साथ में जो अगर पशु रखे, अच्छी नस्ल के अगर पशु रखे तो उससे किसान की आमदनी दोगुना बढ़ोतरी हो जाएगी। इस विषय में हम काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ ग्रामीण एरिया है तो यहाँ पे उसकी नस्ल की जो पशु नहीं है तो हम किसानों को ये जानकारी देते हैं कि अच्छे नस्ल की पशु तैयार की जाए तो इससे आपको अधिक लाभ होगा। बहुत अच्छी जानकारी आपने। मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है, हम दूली खेड़ा उन्नाव से आए हैं और हम अभी जैविक खेती के लिए नए आदमी। आपने ये सोचा क्यों कि जैविक खेती करनी चाहिए, क्योंकि केमिकल की खेती में तो कोई वो नहीं होता है, क्यों आपको प्रेरणा मिली? आपने ऐसा आपने जो आपके गांव या आपके पड़ोसी जो बिरयानी इसमें इसमें केमिकल नहीं होता है, इसकी खेती करने से तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। आपने प्रेरणा कहाँ से, कहाँ से सोचने मजबूर है? केमिकल की खेती तो हो रही है। हमारे चाचा वीरेंद्र यादव जी ऑलरेडी पहले से कर रहे हैं, इसलिए हम उनके आपने देखा होगा फायदा आता है उन्हें? बिल्कुल कोई फायदा या नुकसान कुछ क्या आपने नहीं देखा? उनका प्याज बहुत अच्छा था। चलिए, तो इसीलिए आपने उनसे मोटिवेट होकर अच्छा किया, तो ये भी एक बहुत अच्छी प्रेरणा है। क्योंकि जैविक खेती में अक्सर देखा गया है कि परिवार वाले साथ नहीं देते, लेकिन यहाँ पे परिवार के चाचा जो भतीजे हैं वो साथ दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आप भी आओ ना, आपका भी नाम आप भी तो बताओ, आओ सामने। चलो कोई नहीं, माना आप बताओ तो बताओ बताए तो बाबा जी कोई नहीं। मैं शैलेन सिंह पटेल, ग्राम विकासखंड मलवा, तहसील बनकी से, जिला फतेहपुर से हूँ। मैं कई सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, जिसे हमने प्याज लहसुन और गन्ने की ऑर्गेनिक किया है और उसका लाभ भी मिल रहा है। उससे क्या होगा कि हमारी जमीन वो स्वस्थ हो रही है और उत्पादन बढ़ रहा है, धीरे धीरे उत्पादन बढ़ रहा है। इससे यह है कि हम और बीमारियाँ भी कम हो रही हैं, इससे यह महसूस हो रहा है कि नहीं वास्तव में हम लोग अच्छी दिशा को जा रहे हैं। और इसी कड़ी पे नीरज जी आए हुए हैं तो इसलिए हम लोग मिलने यहाँ आए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जैसे शैलेंद्र जी ने बताया, मैं पिछले वर्ष भी आया था और उस समय मेरे को पता चला था कि यूनिवर्सिटी के थ्रू, और फिर मैं पिछले एक दो दिन आया था। मेरा ये था कि शाम को आऊँगा सुबह चला जाऊँगा, लेकिन जब मैंने इनकी खेती देखी और इनके जो समूह में और बाकी साथी हैं जैविक किसान जो देख रहे हैं मेरे साथ में, 3-4 ऐसे पुराने जैविक किसान और कुछ नए किसान में, जो कई ऐसे जो 3 साल से करे, कोई 4 साल से करे, कोई 2 साल से करे, कोई 5 साल से, कुछ अभी नए भी हैं। तो मैंने जब पिछले साल देखा था तो इनकी खेत वाकई में एक बहुत अलग खेती थी, बहुत अलग से मतलब देखने में जो लगता बहुत एक प्रशंसा के थी, प्रगतिशील थी। जिसमें मैंने उस समय आया था तो मेरे को लहसुन की खेती और प्याज की खेती देखने को मिली थी, और अब मैं आया हूँ अब पपीता, परवल और गन्ना, जो कि मैंने इनका गन्ना देखा बहुत ही जबरदस्त गन्ना। और बाकी अपने इनमें जो एक हमारे सही बताया इस ग्रुप में जो मेन मोटिवेशनल है गुरु के तौर पर, या फिर हम बोलते हमारे शैलेंद्र जी हैं, उसके साथ में
जो हमको पीछे से जो एक एनर्जी देते हैं मोटिवेशन, वो हमारे ये है। जब हम सब ढीले पड़ जाते हैं तो ये इनको बताए तो ये हमें ये बोलते हैं कि ग्रुप का ग्रुप के बारे में मतलब तो कार्य के बारे में, आज आपने क्या किया है, कल क्या किया है, अब क्या करना है। तो हमारे जो इसके जो कितना ना मोटिवेशन है, हमें को होते हैं मार्गदर्शक या गुरु बोल के, जो हमें पिटाई करते डांटते रहते कि आप क्यों नहीं कर रहे। हमारे विजेंद्र जी, मुझे बहुत अच्छा लगा और पिछली बार भी मैं आया था और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो बाकी साथी उनको भी आप दिखा दें जो ये साथ में आए हैं भाई लोग, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक जो हमारे एक और किसान है, आइए इनसे भी चर्चा करते हैं। मुझे इनके बारे में पिछले साल पता चला था लेकिन मिल नहीं पाया था किसी कारण से, इस बार मैं आया हूँ इस बार दोबारा मिलने। तो चलिए आप अब इनसे ही पूछते हैं आपके बारे में, बताइए। मेरा नाम विद्यारे शबनापुर सिराजपुर फतेहपुर से बोल रहे हैं। मैं नमाम गंगे कार्यक्रम से जब से जुड़े हैं, जब से हम जैविक खेती अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन परंतु हमारी फसल की जांच नहीं हुई अब तक, तो इसकी जांच बहुत जरूरी होना, क्योंकि हमारा भी हौसला बढ़ जाए तो और ढंग से करें और दूसरा किसान भी और ढंग से कर लें। आपकी जो समस्याएं हैं जैविक में, प्रथम समस्या है आपकी जाँच, आपके पास जाँच अवेलेबल होनी चाहिए गाँव गाँव या ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर पर नहीं तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो आपको एक जाँच मिली। उसके लिए मैंने अभी जैसे सर से बात की, हम लोग एक एफपीओ के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से हम लोग मिट्टी पानी की जांच की लेबोरेटरी प्लस हमारे जो जैविक उत्पाद की जांच की है ये हुआ। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जांच की हम लोग अपने जो हमारा जो दो तीन गांव है जैसे आपका ओंग हुआ, शिवराजपुर हुआ, तो चार पाँच हैं, इनको मिला के हम लोग ये फैसिलिटी अभी जल्द ही चालू कर देंगे। और बाकी इसके अलावा अगर कोई समस्या है तो आपकी ठीक है। बाकी मैं क्योंकि मेरा सिर्फ ये उद्देश्य इसलिए था कि जो हमारे साथ किसान भाई हैं इनकी जो समस्याएं हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम जो NCF गाजियाबाद है या फिर हमारे जो कृषि सलाहकार हैं गुरुजी जो प्रेग यादव जी, उसके अलावा बहुत सारे जो हमारे और जैविक के गुरुजी हैं, उन तक ये बात पहुंचाने की एक देश में और एक गांव में क्या समस्या है जैविक की, वो हमें पहुंचानी है। तो बाकी अगर आपकी कोई और जैविक की समस्या हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर वो आप बताना चाहें तो एक मिनट, आपका कोई ऐसे जैविक के प्रति, क्योंकि आप इतना घूमे हैं, आपका एक्सपीरियंस है, आप सब जानते हैं, या फिर गांव की कोई चीज है जो गांव से है, कुछ भी आपकी जो बताएं। जैविक खेती में होता यह है कि जैसे उत्पादन होता है तो उत्पादन में क्या करते हैं कि लोगों को पहले उत्पादन कम होता है, कुछ जानकारी के अभाव में होता है। जैसे लोग गेहूं धान की खेती आमतौर पर करते हैं, उसी को मेन क्रॉप लेते हैं, मुख्य फसल गेहूं धान की, और उसी में DAP यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा लगती है। तो जब लोग जैविक में गेहूं धान कर लेते हैं तो उनका नुकसान होता है और लोग करते उसी से, अगर उसके बजाय तिल है, मूंग है, उड़द है, अरहर है, चना है, इस तरह के फसलों से अगर जैविक खेती स्टार्ट करें तो उनका कभी नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जैसे जैविक खेती उसमें फसल चक्र का होना बहुत ज़रूरी है, प्लस अपने पास जो है गोबर की खाद है और जो हमारे जीवामृत है, बेस्ट डिकम्पोजर है, टाइकोडर्मा है, बवेरिया बासियाना है, इन चीज़ों का नाम सीख गया, साइंटिस्ट बन गया, दस पानी अर्क है, इन सब चीज़ों का अगर आप डाल करके और उपयोग कर रहे हैं तो आपकी खेती में कभी घाटा हो ही नहीं सकता। मेरे पास मैं बताऊं 10 बीघे खेती है, मेरे गांव के लोग देखते हैं मैं 9 बीघे खेत ऐसे छोड़ देता हूं और 1 बीघे में करता हूं। 1 बीघे में कभी 1 लाख का लहसुन, कभी 2 लाख का प्याज बेच लिया, कभी 3 लाख का प्याज बेचा, और लोग समझ नहीं पाते कि जैविक किसान करता क्या। अरे मैं किसी के यहाँ मांगने थोड़ी जाता हूँ, अपना खा रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ, देखिए मेरा उत्पादन कैसे होता है। जैविक में कोई उत्पादन कम नहीं होता है, बजरते करने का आपको ढंग मालूम हो, तरीका मालूम। आप एक और वाली बात बता दो, आपने जो पिछली बार की जो हिस्ट्री क्रिएट करी थी, जब मैं पहली बार आया था आपने बताया था कितना 3 लाख का, 2 लाख का, कितने का, क्या क्या बेचा था। 1 बीघे में हमने 1 लाख का लहसुन बेचा था और प्याज जो है हमारा 3,70,000 का बिका था, और ऐसा प्याज था जिसमें हमने जो भी हमारे पास आ गया तो हमने कहा प्याज महंगा था तो मैं लोगों को ये कहता था कि ले जाओ सस्ता है इसलिए दे रहा हूँ, मैं लाओ तो मैं नहीं दे रहा हूँ, ऊपर वाले ने दे दिया था, पता नहीं कहाँ से दे दिया था, जैविक में जुड़ा। 4.25 लाख रुपया आपने निकाला था 1 बीघा से, और यहाँ पे 2.5 बीघा, 3.25 लाख, नहीं 3.25 लाख, 4.25 लाख, 3.5, 3 और 1 लाख, 1 लाख का लहसुन, 4.25 लाख रुपया आपने 1 बीघे से निकाला था जी। और यहाँ पे 1 बीघा कितना, 2-3 के कितने का होता है, 2 बीघे कानपुर का, 2 बीघे का फतेहपुर का, 2.5 बीघे का, और ये उन्नाव में लगता है बाटा, डेढ़, मतलब करीबन 6 लाख के करीब तो आपने निकाल दिया। खुश हो? खुश हो, बहुत खुश है। कभी हमें सोचा ही नहीं था, कभी हमने देखा नहीं था लखपति बना कैसे जाए, लखपति बन गए। अगला वो वाला टारगेट बता दो जो आपने उस दिन अपने सभा में कहा था। अगला टारगेट हमारा ये जो हमने अपना FPO बनाया है, ओंग मलवा कृषक उत्पादक कंपनी, जिसके हमारे सभी साथियों ने डायरेक्टर के पद पर चयन किया है, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि लखपति ने बहुत जल्दी हम करोड़पति बनने वाले हैं। जब 1 बीघे से लखपति बन गए तो करोड़पति बनने में क्या दिक्कत, जब
सब लोग ग्रुप में एक साथ जुड़ेंगे तो जो भी जुड़ेगा, मैं नहीं करोड़पति बनने जा रहा हूँ, मेरा पूरा ग्रुप करोड़पति बनेगा। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ मैं करोड़पति बनने जा रहा हूँ, मेरे साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं मैं उन सारे लोगों को कह रहा हूँ, और जिसकी इच्छा हो जुड़े, जिसकी इच्छा हो ना जुड़े, जिसको रोड पर ही बनता रोड पर जाए।